Okay, student. Now the next point is influence of religious and social reformer. Now this is a very important point because भारत के लोगों को ब्रिटिशर बार बार ये कहते थे कि आप किसी के अंडर रूल होने के लिए ही आपने बर्थ लिया है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं आता है, आपने एनेक्सेशन ऑफ ओथ देखा था आगे कि भाई मिस मैनेजमेंट के हिसाब से उसका एनेक्स कर लिया गया था बाय द ब्रिटिश। तो बार बार आपको अगर कोई ऐसा बोलता रहेगा, नेगेटिविटी आपके बारे में बोलेगा, तो मतलब आपका जो मॉरल वैल्यू होता है ना वो डाउन हो जाता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई चलो हम कुछ काम के नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने एक बहुत अहम रोल प्ले किया था कि उन्होंने, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, तिलक। ओके, ये सब लोगों ने हमारा जो भारत का कल्चर था, इंडियन कल्चर, वो लोगों को वापिस समझाया कि भाई हम क्या थे। अभी आप भी जानते हैं कि हमने आगे बात किया था कि अगर दूसरे देश के लोग अगर आपके देश में आके बिजनेस करना चाहते हैं तो मतलब आप सोच सकते हो कि आप इतने डेवलप्ड हो। ओके, तो वो टाइम पे भारत मतलब अभी डेवलप्ड कोई कैसे बन सकता है? इंटेलिजेंट होंगे, बिजनेस अच्छा करना जानते होंगे, उनके मैनर्स अच्छे होंगे, उनका कल्चर अच्छा होगा, तो ही हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर हमारा मॉरल जो वैल्यू होता है उसको डाउन बार बार बोल के हमको डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस था उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे ये जो रिफॉर्मर है उन्होंने एक नई आशा वापिस जगाई कि भाई हम लोग पहले क्या थे, हमारा कल्चर क्या था, वो सब लोगों को बताया गया। ओके, और मॉरल जो वैल्यूज थी वो वापिस इनकल्केट की गई। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखना चाहे तो भारत के लोगों को वापिस ये वैल्यूज तो मतलब पहचाननी पड़ेगी, लेकिन दूसरा उनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई कोई भी आके आपको कुछ भी बोल दे, लेकिन आप खुद क्या हो आपको पता होना चाहिए, आपका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब हमें अपने पैरों पे खुद खड़े होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ओके, एंड लास्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सब चीजें अगर आपके पास विश्वास है कि आप खुद क्या हो, ओके, तो ही मतलब आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, अगर बार बार आपके बारे में कोई नेगेटिव बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वही हो। ओके, आपको उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, ये हमारे सोशल रिफॉर्मर ने काम किया था। नेक्स्ट अगर हम देखने जाए तो हमारा कल्चर बहुत अच्छा था, लेकिन आप समझ सकते हो कि भाई कुछ ना कुछ वीकनेस तो होती रहती है। तो हमारा जो ऑर्थोडॉक्सी था, ओके, हमारा जो पुराने सोच थी, तो पुरानी सोच में से बाहर निकलना पड़ेगा और नई आइडियाज को मतलब अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से मतलब एक पूरी दुनिया चलती है वैसे हमको भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा, नए आइडियाज, नई सोच रखनी पड़ेगी। ओके, ट्रू इंडियन कल्चर क्या था, ओके, और ब्रिटिशर हमें क्या कहते थे, ये दोनों का जो कंपैरिजन हमारे सोशल रिफॉर्मर ने करके हमारे सामने रखा, तो हमको मतलब पता चला कि ओके भाई ये तो हमको बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं, लेकिन सच में हमारा कल्चर तो ऐसा है। ये जो नई एक ऊर्जा, एनर्जी क्रिएट करने का जो काम था वो हमारे सोशल रिफॉर्मर ने किया। ओके, इट मे बी थ्रू सोसाइटी और इट मे बी थ्रू रिलीजियस, लेकिन हमारा कल्चर क्या था वो लोगों को वापिस बताया, एंड देन स्लोली एप्रिशिएटिंग आवर कल्चर। ओके, और जो ब्रिटिशर बोलते थे कि हमारा वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है, ओके, आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं चलता है, तो वो जो सोच थी उसमें से हम धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। ओके, ये हमारा इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट था जो हमारे सोशल रिफॉर्मर और रिलीजियस लीडर्स ने किया था। ओके, नेक्स्ट इज इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन अफ्रीका। देखो, अफ्रीका एक कॉलोनी था उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर को जब ये कॉलोनी बनाना था अफ्रीका का, तो भारत के लोगों ने बहुत सारी हेल्प की थी उनको, ओके, टू मेक दैट कॉलोनी, अफ्रीका कॉलोनी अंडर द ब्रिटिश रूल बनाने में इंडियंस पीपल ने बहुत सारा हेल्प किया था। ओके, लेकिन वहां पे अफ्रीका में जो हमारे इंडियंस थे तो उनको ब्रिटिशर्स थे वो इल ट्रीट करते थे। इल ट्रीट मतलब अच्छी तरह से उनका ध्यान नहीं रखते थे, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं देते थे, ह्यूमिलेट करते रहते थे, ओके, एब्यूज करते रहते थे। ह्यूमिलेट का मतलब होता है कि हमारा जो स्टेटस है उसको लोअर कर देना, मतलब आप समझ सकते हो, दो एक ब्रिटिशर का कंपैरिजन करेंगे, एक इंडियन का करेंगे, इस तरह से हमको बोलेंगे आप कुछ नहीं हो, आप ये हो, आप वो हो, उस तरह से ह्यूमिलेट करते थे। ओके,
बार बार इंसल्ट करते रहते थे। और बहुत सारी चीजें मैंने आपको जब हमारे रेगुलर क्लासेस चलते तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। एक मैंने होटल वाला आपको एग्जांपल दिया था कि जहां पे ब्रिटिशर्स या यूरोपियन जाते हैं उस जगह पे भारत के लोगों को अलाउड नहीं था। ओके, एक बोर्ड लिखा हुआ रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो दिस टाइप ऑफ इंसल्ट किया जाता था हमारे भारत के लोगों का। और अफ्रीका में जो भारत के लोग थे उन्होंने तो ब्रिटिशों को हेल्प किया था ये कॉलोनी बनाने के लिए, और उनके साथ ही ऐसा इल ट्रीटमेंट किया जाता था। कुड नॉट वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे चल भी नहीं सकते थे, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन बनाए गए थे। ओके, फर्स्ट क्लास जो रेलवे का टिकट होता है उसमें वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, ये वाला एक पॉइंट है। ओके, और अगर रात को 9 बजे के बाद आपको घर से बाहर निकलना है तो आपके पास परमिट होनी चाहिए। ओके, आपके पास परमिट होगा तो ही आप रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकते हो। इतने सारे रेस्ट्रिक्शन। ओके, वोट नहीं करना है, नो राइट टू वोट, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, बाय प्रॉपर्टी ये वाला राइट नहीं था। ओके, आप फुटपाथ पे नहीं चल सकते थे, आप फर्स्ट क्लास कोच में नहीं चल सकते थे, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन। होटल्स में नहीं जा सकते थे जहाँ पे यूरोपियंस बैठते हैं, जहाँ यूरोपियन खाना खाते हैं। तो ये और टैक्सीज तो आपको पता है भारत में था, वैसे ही अफ्रीका में अनजस्ट टैक्सीज लगाए गए थे हमारे लोगों के ऊपर। ओके, और एक दूसरा उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट निकाला जिसमें भारत के लोगों को थंब इंप्रेशन देना है और एक आइडेंटिटी कार्ड रखना है। आप जहां पे घर से बाहर निकलते हो तो आपको वो आइडेंटिटी कार्ड के साथ ही बाहर निकलना है। तो मतलब ब्रिटिशर्स जो वहां पे अफ्रीका में थे ऑफिसर्स और उनकी बात मैं करता हूँ, तो उनको वो रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, हमारे थे। ओके, तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये ट्रीटमेंट जो दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इट वॉज नॉट गुड एट ऑल। ओके, तो ये भी एक पॉइंट है जो हमारे एसर्टिव नेशनलिस्ट को ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, या मतलब ये एक कदम उठाने में सोचने के लिए मजबूर किया गया था। ओके, थैंक यू।